ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं जो है इतने दिन के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो पिछले काफ़ी दिन से बिजी जा रहा था दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे दिल से माजरत चाहता हूँ। अब दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हाँ, कभी एक या दो दिन मिस हो जाता है तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है नई से नई अच्छी से अच्छी जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए तीन ऐसे कमाल के जो है रियलमी के स्मार्टफोन लेके आया हूँ जो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 के अंडर मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप लोगों का बजट कम है या अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा है तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी जो ऐसी मैंने वीडियोज़ बनाई है बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन 20,000, 15,000 या 25,000 या 30,000, तो आप लोग वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे जो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो तीन ऐसे कमाल के रियलमी के स्मार्टफोन बताने वाला हूँ वो आप लोगों को 40,000 की प्राइस में मिलेंगे और काफ़ी जो है मतलब फंटास्टिक मोबाइल है। अब दोस्तों मैं खुद जो है रियलमी जो है यूज़र हूँ, अब मैं जो है रियलमी XT यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये रियलमी XT के, तो काफ़ी इसका रिजल्ट अच्छा है। मैंने काफ़ी मोबाइलों के साथ इसको कंपेयर किया है, जो रियलमी XT की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मोबाइल मेरे पास मतलब मेरे पास है तो इसलिए मैं इस मोबाइल की तारीफ कर रहा हूँ। आप लोग इस मोबाइल को परचेज करके देखें, आप लोगों को रिजल्ट के मामले के और गेमिंग के मामले में काफ़ी जो है आप लोगों को मज़ा देगा। अब दोस्तों चलते हैं हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर स्मार्टफोन की तरफ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले नंबर स्मार्टफोन रियलमी का हुआ है Realme 6s। अब दोस्तों स्मार्टफोन में आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, 48 मेगापिक्सल आप लोगों को बैक कैमरा मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की रैम की तो 4GB और 6GB रैम के साथ ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। Helio G90T का आप लोगों को इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, इसमें प्रोसेसर लगा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब दोस्तों जो रियलमी में या किसी भी स्मार्टफोन में हीलियो या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया हो वो गेमिंग के लिहाज से काफ़ी फंटास्टिक होता है और ये दोनों प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं, मैंने आप लोगों की ऑलरेडी बात मेंशन की है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी बैटरी की, तो जो इसकी बैटरी है वो आप लोगों को 4300 mAh मिल जाएगी। और आप दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 37,000 का मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से काफी फंटास्टिक है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड नंबर स्मार्टफोन की तरफ। अब दोस्तों मैं सेकंड नंबर स्मार्टफोन वो है Realme 7 5G। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्मार्टफोन 5G है। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की मैं आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 6.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, 48 मेगापिक्सल आप लोगों को इसमें बैक कैमरा मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की रैम की तो 6 से लेकर 8 GB रैम है ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। Dimensity 800U 5G इसमें आप लोगों को इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, 5000 mAh आप लोगों को इसमें बैटरी मिल जाती है। और आप दोस्तों को बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को 38,000 का पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा। अब 38,000 की प्राइस में आप लोगों को 5G स्मार्टफोन मिलना वो काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोग ये स्मार्टफोन भी मतलब देख सकते हैं अगर आप लोग 5G मतलब स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं। हालांकि 5G अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये स्मार्टफोन पहले जो है अवेलेबल मिल जाता है मार्केट में, वो भी 38,000 का। अब दोस्तों चलते हैं हमारे लास्ट नंबर रियलमी के स्मार्टफोन की तरफ। अब दोस्तों मैं लास्ट नंबर स्मार्टफोन वो है Realme 5 Pro 8GB। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की मैं आप लोगों को स्पेक्स बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को जो है 6.3 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल आप लोगों को इसमें बैक कैमरा मिल जाता है। अगर बात करूँ स्मार्टफोन की रैम की तो 4 से 8 GB रैम है ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। Snapdragon 712 का आप लोगों को इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, 4035 mAh की आप लोगों को इसमें बैटरी मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बात करूँ स्मार्टफोन की प्राइस की तो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन 41,000 का मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया, दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा, इसलिए मैंने सोचा कि स्मार्टफोन को लाजमी जो है ऐड कर दूं। मतलब 1000 महंगा है लेकिन काफी जबरदस्त, इसमें 8GB रैम आपको मिल जाती है, मतलब गेमिंग के हिसाब से काफी जबरदस्त है मतलब मोबाइल, मतलब गेमिंग के हिसाब से आप लोगों को कभी भी इशू नहीं आएगा, गेमिंग इसमें काफी जबरदस्त हो जाती है, फिर चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो या पबजी गेम हो, कोई भी हैवी किस्म की गेम हो। कैमरे के हिसाब से भी ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त है। अब दोस्तों ये थे तीन ऐसे कमाल के रियलमी के स्मार्टफोन जो आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 के अंदर मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये तीनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से काफी फंटास्टिक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों स्मार्टफोन लाजमी पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को तीनों स्मार्टफोन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन ऐप से और टेक्नोलॉजी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप टेक लेक्चर आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू टेक लेक्चर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।